उनको जानकारी लेकिन लेनी चाहिए, दूसरे से भी लेनी चाहिए। तीन तलाक खत्म करेंगे किया, कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर भी बन गया के रखा है और इस बार 400 पार होगा। यहाँ के हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया था, कहा था कि बिहार में जंगल राज हो गया है। एक साल से लगातार तांडव मचा है बिहार में, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जोड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। मोदी जी की गारंटी फेल हो गई है, राजद के द्वारा पोस्टर लगा के बताया गया है कि मोदी जी की गारंटी फेल हो चुकी है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की गारंटी सर चटकर बोल रही है। जिन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो अलग बात है, उनको जानकारी लेकिन लेनी चाहिए, दूसरे से भी लेनी चाहिए। मोदी जी ने कहा उज्ज्वला गैस योजना लाएंगे, महिलाओं के जो आँख धुएं से खराब हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे, किया तीन तलाक ख़त्म करेंगे, किया 370 ख़त्म करेंगे, किया कश्मीर में शांति लाएंगे वो भी किया, कहा राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 तारीख को, कौन सी गारंटी चाहिए? मोदी की गारंटी देश की जनता है, देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी को लिया है और गारंटी का परिणाम है कि 10 वर्षों से उनको बना के रखा है और इस बार 400 पार होगा। वैसे दल जो बिहार में लूट का अड्डा बना दिया है, लगातार 15 वर्षों तक बिहार को लूटने वाले जंगल राज भारतीय, यहाँ के हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया था, कहा था कि बिहार में जंगल राज हो गया है, ये जंगल राज वाले अब गारंटी मांग रहे हैं। राकेश जी, आपने भी जंगल राज का नाम लिया, पिछले दिनों एक अधिकारी के साथ मारपीट हुआ, उनको एम्स दिल्ली रेफर किया गया, इस तरीके का घटना हो रहा है जगह जगह, अन्य जिलों में भी घटना हो रही है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं घर में घुस के मार दिया जा रहा है, इस तरीके की घटना क्या लगता है कि जब से सत्ता में आई हुई है ऐसा घटना बढ़ गया है? इसका कौन लेगा सर? एक साल से लगातार तांडव मचा है बिहार में, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। 15 वर्षों तक किसी प्रकार की घटनाएं होती थी, ये वही लोग हैं जो 15 वर्ष पहले भी तांडव मचाते थे, फिर से इनका मनोबल बढ़ गया है। अधिकारियों को सरेआम इस प्रकार से पीटना क्या दर्शाता है? जंगल राज नहीं तो क्या है, तो गुंडा राज में बदल गया, जंगल से भी आगे निकल चुका है, पूरा गुंडा राज में तब्दील हो गया है ये राज। इस राज का भगवान मालिक है, ये राज में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून के रखवाले कोई नहीं है, सब कुछ गुंडों के हाथ में है, दारू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, ये सब की पौ बारह हो गई है, यही लोग सरकार चला रहे हैं, इनकी सरकार है, सरकार में इन्हीं के प्रतिनिधि बैठे हैं, उनको कौन सी चीज़ की गारंटी चाहिए? आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह को, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस चीज़ की गारंटी चाहिए। मोदी जी की जो गारंटी है जनता देख रही है, उज्ज्वला योजना, एक एक करके इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को गिनाया। और हम बता दें आपको, राजद की तरफ से हमेशा पोस्टर के ही जरिए वार किया जाता है, वहीं राम मंदिर को लेकर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो गारंटी दिया था देश में जनता को, हम लोगों ने वो गारंटी पूरा किया। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।